दोस्तों चाय पियेंगे। वेल आप भी कहेंगे ये भी कैसा सवाल है, भला चाय को कौन मना कर सकता है। चाय तो हिंदुस्तान में प्यार है, लोगों की दीवानगी है चाय। चाय को कभी कोई नहीं मना कर सकता आई एम श्योर। और अब मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया है, तो आज की मेरी रेसिपी भी यही होने वाली है। जी हाँ, अदरक वाली चाय, स्पेशल चाय। चाय पीने तो सबको पसंद है, लेकिन चाय बनाना भी एक कला है। सीरियसली पहले मुझे भी चाय बनानी नहीं आती थी, मेरी चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी चाय बनानी नहीं आती थी आई एम टेलिंग यू। बट मैंने भी धीरे धीरे सीखी, मेरे सिस्टर इन लॉ से मैंने सीखी, और आज मेरी चाय इतनी अच्छी बनती है। सो आज की मैं स्पेशल अदरक वाली चाय की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एंड आई एम श्योर आप ये वाली रेसिपी से एक बार चाय बनाना स्टार्ट करेंगे ना, आप दूसरा कोई तरीका अपनाएंगे ही नहीं। स्पेशल अदरक वाली चाय, यस फॉर यू ऑल, फॉर ट्रू चाय लवर्स। चलिए मेरे किचन में चलते हैं और आज बनाते हैं अदरक वाली चाय। चाय बनाने के लिए हम लेंगे पैन, उसमें डालेंगे आधा कप पानी और आधा कप दूध। मैं एक ही कप चाय बनाने जा रही हूँ, तो 50-50% रेशो होता है मेरा चाय बनाने का। और दूध और पानी दोनों एक साथ डालने होते हैं, मैं दोनों को एक साथ मिक्स करके डाल देती हूँ। इसके बाद हम डालेंगे चाय की पत्ती, छोटा बहुत छोटा सा चम्मच है, सो 1 से 1.5 चम्मच। उसके बाद चीनी, चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपको जरूरत है उतनी आप चीनी पियेंगे। और उसके बाद हम इसको उबलने देंगे। चाय हमारी उबल रही है, देखो एक उबाल इसमें आ गया है। अब गैस को करेंगे सिम और अब हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है अदरक। अदरक को डालने का एक तरीका होता है, बस अदरक से ही हम इसको कैसे डालेंगे उसी से आपकी चाय में स्वाद आएगा। चाय में अदरक का फुल फ्लेवर चाहिए, उसके लिए मैं डालती हूँ अदरक को ग्रेट करके। ये मेरे पास ग्रेटर है, इससे मैं इसको इसमें डायरेक्ट ग्रेट करूंगी। आप चाहो तो एक बाउल में भी ग्रेट करके रख सकते हो या फिर डायरेक्टली चाय में ग्रेट कर सकते हो। अदरक तो बहुत फायदेमंद भी होती है, और मौसम ठंडा होने लगा है तो थोड़ा सा ज्यादा अदरक भी चलेगा। अदरक मैंने इसमें डाल दिया है ग्रेट करके। और बहुत सारे लोग जो है अदरक को ना कूट के डालते हैं, तो कूट कर डालने से अदरक का उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाता। मैंने भी ट्राई किया था बट उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आया उसका, सो मैं उसको ग्रेट करके डालती हूँ। अब हम इसको उबलने देंगे चाय में कलर आने तक, एक अच्छे से इसको हम उबालेंगे सिंपली। चाय में अपना कलर आने लग गया है, आप देख सकते हैं, ये देखो। इसको बीच बीच में ऐसे हिलाएंगे, गैस को तेज करके एक उबाल और देंगे अच्छे से। चाय जितनी पकती है उतना अच्छा टेस्ट आता है। नाउ इट डिपेंड्स कि बहुत सारे लोगों को ज्यादा स्ट्रांग चाय पसंद नहीं होती और बहुत सारे लोगों को बहुत ही स्ट्रांग चाय पसंद होती है, तो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहते हैं या नॉर्मल चाय चाहते हैं। बट इस तरीके से अगर आप अदरक वाली चाय बनाएंगे तो आई एम श्योर आपने ऐसी चाय कभी नहीं पी होगी, ये वाली अदरक की चाय। आप एक बार जरूर ट्राई करना मेरी इस अदरक की चाय की रेसिपी और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चाय हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाय नहीं पसंद, इसलिए मैं मीडियम चाय लेती हूँ। और चाय बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसको छान लेते हैं। चाय बनकर हो गई है तैयार, जल्दी से चाय का मजा लेते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी अदरक वाली चाय की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अच्छा पहले चाय बना के देखना इस रेसिपी से और उसके बाद मुझे बताना कि चाय कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो,
प्लीज शेयर इट। अगर ये रेसिपी पसंद आए, चाय बना के देखना, और पसंद आए तो शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब यार, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। अगली बार अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।